कलेक्टर ने शुद्ध पर युद्ध के लिए छेड़ा अभियान, पीताम्बरा नमकीन फैक्ट्री पर की गई छापामार कार्यवाही। शुद्ध पर युद्ध की शुरुआत करते हुए संवेदनशील कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश निम ने असनई मार्ग स्थित पीताम्बरा नमकीन फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही करते हुए विभिन्न ब्रांडों के नमकीन पैकेटों के सैंपल लिए। लगभग 3 घंटे चली जाँच में खाद्य सामग्री जाँच के अनुरूप न पाए जाने पर टीम ने नमकीन व इलायची दाना के पैकेटों को सीज कर दिया। जानकारी के अनुसार सुबह टीम पीताम्बरा नमकीन फैक्ट्री पर पहुंच गई। मौके पर लेबर काम करते हुए पाई गई। टीम ने नमूना लेते हुए लगभग 41,400 रुपए की सामग्री को सीज कर दिया। ठीक है। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुक्ति अभियान चल रहा है और इसके तहत हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध रूप से नमकीन का निर्माण किया जा रहा है। ये यहाँ पर माफी नमकीन भंडार के नाम से फर्म है, लेकिन इनका जो पता है वो इस स्थान निर्माण स्थल का नहीं है। और यहाँ पर जो प्राथमिक तौर पर जांच में देखा गया कि जो भी खाद्य पदार्थ जो लोग पैक कर रहे हैं नमकीन वगैरह, तो नमकीन में क्या है, इन्होंने कोई भी डेट नहीं लिखी हुई है कि कब की पैकिंग है, और कोई बैच नंबर नहीं है उसमें दिया हुआ है, ना निर्माण स्थल का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर लगभग 41,400 रुपये का नमकीन जब्त किया गया है और 4 नमूने लिए गए हैं, जिसमें से 1 इलायची दाना और 3 नमकीन के नमूने हैं, और नमूनों को अभी जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होती है आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने से इनके हौसले बुलंद है। पता चला है कि प्रशासन ने इस नमकीन फैक्ट्री पर दूसरी बार कार्यवाही की है। इससे पहले उन्होंने 14 का बाड़ा स्थित इसी नमकीन फैक्ट्री पर कार्यवाही को अंजाम दिया था। अगर प्रशासन पहले ही सख्त रवैया अपनाता तो दूसरी बार कागजों को रंगीन करने का काम प्रशासन को नहीं करना पड़ता। लेकिन कलेक्टर की जनहित में सख्त कार्यवाहियों की प्रशंसा हो रही है, परंतु जिम्मेदार नौकरशाह उनके अनुसार जन कल्याण के कार्यों को जमीनी स्तर पर उतारने में लापरवाह है। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।